70 के दशक की बात है। उस दशक में गर्मी के मौसम में अक्सर ही घर के मर्द आंगन में बिस्तर लगाया करते थे, लेकिन जैसे ही मौसम करवट लेता आंगन और छत दिन ढलते ही सुन पड़ जाते। नवंबर का पहला सप्ताह था, हल्की गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी थी। मोहन जिद पर अड़ा था कि वो अभी भी अपना बिस्तर बाहर आंगन में ही लगाएगा। बेटे के दिल की बात वसुंधरा खूब समझती थी, जानती थी रातों को मोहन आज भी पत्नी की याद में आंसू बहाता है। रुक्मणी की याद उसके दिल पर ऐसे बादल बनकर छाई थी कि उसकी मौत के बाद मोहन ने एक बार भी उसके कमरे में पांव नहीं रखा था। कमरे में पत्नी की याद उसे बेचैन ना करे, इसीलिए वो हर रोज आंगन में ही बिस्तर लगाता था। रात्रि का तीसरा पहर रहा होगा। कुंडापुर गांव में अपने दालान में चारपाई बिछाए मोहन गहरी नींद के आगोश में समाया हुआ था। मोहन इतनी गहरी नींद में था कि उसे आसपास होने वाली कोई भी हलचल सुनाई नहीं दे रही थी। नींद में उसे अचानक एहसास हुआ कि जैसे किसी ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा है। एकाएक ही उसकी नींद टूटती है और वो घबरा कर उठकर बैठ जाता है। मोहन को बाहर आंगन का दरवाजा पीटने की लगातार आवाज सुनाई दे रही थी। इतनी रात को कौन आ गया जो ऐसे दरवाजा पीट रहा है? अरे माँ की तो बड़ी कच्ची नींद है, जरा सियाहट होने पर उठकर बैठ जाती है। आज इतना शोर होने पर भी माँ दिखाई क्यों नहीं दे रही? मोहन हैरान परेशान होते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाता है। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। कहाँ जा रहा है इतनी रात को? मोहन ने पीछे मुड़के देखा तो पाया उसकी माँ वसुंधरा ठीक उसके पीछे खड़ी हुई थी। कब से कोई दरवाजा पीट रहा है? मेरा नाम लेकर भी पुकारा कई बार, दरवाजा खोलने जा रहा हूँ। मेरी तो आज बड़ी गहरी नींद लगी थी, आपको भी आवाज नहीं आई थी क्या? कैसी बात कर रहा है छोरा, कौन इतनी रात को दरवाजा पीटेगा? अरे तुझे वहम हुआ है, मुझे तो दरवाजा पीटने की कोई आवाज नहीं आ रही। सो जा चुप करके, ऐसे आधी रात में बिना सोचे समझे दरवाजा नहीं खोलते। अरे नहीं माँ, मैं कोई झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मुझे कोई वहम ना हुआ, सच में अभी कोई दरवाजा पीट रहा था। अरे कुछ सपना देख लिया होगा, चल अब सो जा। अच्छा वैसे इतनी रात को तुम यहाँ? मैं भी बाथरूम जाने को उठी थी, तभी देखा तू उठकर दरवाजा खोलने जा रहा है तो तुझे टोक दिया। माँ के कहने पर मोहन चुपचाप जाकर अपनी चारपाई पर लेट जाता है, लेकिन अब जैसे नींद उसकी आंखों से कोसों दूर चली गई थी। वो अभी भी असमंजस में था कि उसने जो महसूस किया वो उसका वहम कैसे हो सकता है? जो आवाज उसने सुनी वो झूठ नहीं हो सकती थी। मोहन चारपाई पर लेटा करवट बदल रहा था। तकरीबन रात के 2 बज गए और मोहन एक बार फिर गहरी नींद में चला गया था। अचानक ही उसे किसी के कुएं से पानी खींचने की आवाज सुनाई देने लगी। मोहन ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की ओर नजर घुमाई। अभी रात के 2:30 बजे थे। चाहे जो मजबूरी हो, गांव में 4 बजे से पहले औरतें कुएं में पानी नहीं खींचती, फिर ऐसी आधी रात को कुएं पर कौन हो सकता है? एक बार फिर मोहन अपनी चारपाई से उठ खड़ा हुआ और धीमे कदमों से आंगन के दरवाजे के पास पहुंचा। कौन है बाहर? मोहन के इतना कहते ही कुएं से रस्सी खींचने की आवाज बंद हो जाती है और उसे किसी औरत के सिसकने की आवाज सुनाई देने लगती है। मुझे अंदर आने दो, बाहर खड़ा ना हुआ जा रहा। कब से आपका नाम पुकार रही हूँ, आप दरवाजा ही ना खोलते। दो घड़ी बैठ लेने दो अपने पास। किसी औरत की करुणा से भरी आवाज सुनकर मोहन दरवाजा खोल देता है। देखता है कि सामने लाल घूंघट ओढ़े एक स्त्री खड़ी हुई है। मोहन उसे लाकर अपनी चारपाई पर बैठाता है। आप भी मुझे पहचानने में गलती कर गए जी, इतनी जल्दी भूल गए क्या मुझे? मैंने आपको कितना पुकारा लेकिन आप सुनते ही नहीं। रुक्मणी तू है क्या? घूंघट हटा दिखा मुझे, ये तू ही है ना? मैं तेरी आवाज पहचानने में धोखा नहीं कर सकता। नहीं ऐसे नहीं दिखा सकती आपको, थोड़ा इंतजार करना होगा। अच्छा एक बात बताओ, मेरी याद आती है या नहीं? तेरे बिना तो ये घर घर ही नहीं लगता रे, तू क्यों चली गई मुझे छोड़कर? मैं ना मानती, जो मुझे याद करते तो अकेले कैसे रह लेते? बोलो साबित करोगे अपना प्रेम? हाँ हाँ बता क्या करना होगा।
अमावस्या की रात मैं आऊंगी तुम्हें लेने। अगर प्यार करते हो तो मेरे साथ चलना होगा। बोलो चलोगे ना? अभी मेरा जाने का समय हो गया है, मुझे चलना होगा। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरे पास बैठो ना कुछ देर। ठीक है, मैं वादा करती हूँ फिर तुमसे मिलने आऊंगी, बस किसी से कुछ कहना नहीं। जब से रुक्मणी ने मोहन से वादा किया था, मोहन हर रात जाग कर बिता रहा था, क्योंकि वो रुक्मणी से मिलने का मौका खोना नहीं चाहता था। तीसरी रात को तकरीबन 2 बजे फिर से उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। मोहन समझ गया था कि वो रुक्मणी ही है, इसलिए वो लपक कर दरवाजा खोल देता है। रुक्मणी अंदर आती है और मोहन के साथ बैठकर बातें करने लगती है। पता नहीं आज बार बार क्यों नींद उचट रही है। एक बार जाकर मोहन को देखाती हूँ, पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को। जब से वो रुक्मणी गई है ना तो किसी से बात करता है ना रातों को सोता है। मेरा तो बड़ा जी घबराता है उसके बारे में सोच सोच कर। मोहन की माँ बाहर आंगन की तरफ आती है तो देखती है कि मोहन चारपाई पर बैठा हुआ है। चारपाई के थोड़ा और करीब आने पर वसुंधरा देखती है कि दिन भर एक भी शब्द अपने मुंह से ना निकालने वाला मोहन आंगन में लगे खाली झूले की ओर मुंह करके जाने क्या बड़बड़ा रहा है, और झूला भी लगातार हिल रहा है। मोहन, यहाँ अकेले में बैठा क्या बड़बड़ा रहा है बेटा? चल अंदर चल, ठंड बढ़ रही है, यहाँ तबीयत खराब हो जाएगी। माँ, मैं अकेले नहीं था, वो रुक्मणी है ना यहाँ, उसके साथ बातें करते रात बड़े आराम से कट जाती है। क्या? रुक्मणी? कहाँ है रुक्मणी? वसुंधरा के इतना कहते ही हिलता हुआ झूला अचानक से रुक जाता है। लो, चली गई, उसे तुम्हारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, तुम्हें गुस्से से देख रही थी। बेटे के मुँह से ऐसी बातें सुनने के बाद वसुंधरा के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई थी। किसी तरह अपने आप को संभालते वो अंदर गई और जाकर अपने पति को जगाने लगी। अरे मोहन के बापू, अरे उठो, मैं कहती थी छोरे को अकेले बाहर आंगन में मत सोने दो, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक बात पर भी गौर ना किया। अरे कुछ पता भी है क्या चल रहा है आपके छोरे के साथ? अरे भाग्यवान, क्या हो गया, क्यों आधी रात को शोर मचा रही हो? वसुंधरा कुछ भी कह पाती इससे पहले ही उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। अगले दिन सुबह वसुंधरा को तेज बुखार ने जकड़ लिया था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि मुंह से शब्द भी नहीं फूट रहे थे। किसी तरह शाम होते होते बुखार कम हुआ तो उसने मोहन को अपने पास बुलवाया। मोहन, आज के बाद तो बाहर आंगन में नहीं सोएगा, और मैंने पहले भी कहा है, तू हनुमान चालीसा का पाठ किया कर बेटा। तू सच सच बता छोरा, क्या सच में तुझे वो रुक्मणी दिखाई देती है? माँ, जीते जी तूने उसे चैन से रहने ना दिया, अब मरने के बाद तो उसे चैन लेने दे। और मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे और रुक्मणी के बीच में आप लोग आए ना तो अच्छा ना होगा। वैसे भी बस 1 हफ्ते की बात है, उसके बाद मैं यहाँ नहीं रहने वाला। क्यों, कहाँ जा रहा है तू, बावला तो नहीं हो गया है? जा रहा हूँ अपनी रुक्मणी के साथ, वैसे भी मेरा मन नहीं लगता अब इस घर में, जहाँ वो रहेगी मैं भी वहीं रहूँगा। होश में आ छोरा, लुगाई के गम में बावला हो गया है क्या? कुछ होश है तुझे, क्या कह रहा है? अरे मर चुकी है रुक्मणी, और मरे हुए के साथ मरा नहीं जाता। अब वो तेरी लुगाई नहीं, एक प्रेत है। समझदार, जो मेरी रुक्मणी के लिए कुछ कहा तो। अचानक ही मोहन की आंखें सफेद हुई और उसका चेहरा बदला बदला सा लगने लगा। दोहरी सी आवाज में उसने कहा, जब ये मेरे साथ जाना चाहता है तो तू बीच में क्यों आ रहा है? दूर रह वरना पछताएगा। मोहन का ये रूप देखकर घर में सभी सदमे में आ गए थे। उसके बाद किसी की भी मोहन से एक भी शब्द कहने की हिम्मत ना हुई। कुछ देर बाद मोहन थोड़ा सामान्य हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी दिखाई पड़ रही थी। अगले 2 दिनों तक मोहन ने ना किसी से बात की, ना ही कुछ खाया पिया। बस बेचैनी में वो हर समय अपनी उंगलियां आपस में रगड़कर अपने कमरे में चहलकदमी करता रहता, और रात में सबके सोने के बाद आंगन में अपनी चारपाई लगा लेता। छोरे के रंग ढंग देख रहे हैं जी आप? अरे पूरी तरह से उसके बस में हो गया है। अरे लगता ही नहीं है कि हमारा छोरा है ये। अरे मुझे तो लगता है सच्ची में ले जाएगी हमारे छोरे को वो। कुछ करो नहीं तो हाथ धो बैठोगे उससे। रुक्मणी मोहन की पत्नी और वसुंधरा की बहू थी। 16 की उम्र में ब्याह कर वसुंधरा के घर आई थी। ससुराल में पति मोहन से प्यार तो मिला, लेकिन सास की नजरों में वो हमेशा खटकती रही। कारण था रुक्मणी का निसंतान होना। ब्याह को 13 बरस बीत गए थे, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी सुनाई नहीं पड़ी थी।
जिसके कारण सास वसुंधरा बहू को खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। रुक्मणी और मोहन की शादी की सालगिरह थी। रुक्मणी आज 16 श्रृंगार करके बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। मोहन और रुक्मणी अभी पूजा करने मंदिर जा ही रहे थे कि वसुंधरा ने एक बार फिर बहू को कोसना शुरू कर दिया। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, 13 बरस में एक औलाद तो पैदा न कर सकी, बस दुल्हन बनवा लो इसे रोज। मेरे तो भाग्य फूट गए, ऐसी सूखी बेल मैंने अपने आंगन में लगाई कि मेरे घर की हरियाली को ही खा गई। अरे ऐसी कौन सी खुशी दे दी तूने ब्याह करके जो तेरी सालगिरह मनाऊं मैं? दुल्हन बनी घूम रही है मनहूस कहीं की। अरे मैं तो कब से कह रही हूँ दूसरी शादी करके अपनी वंश बेला आगे बढ़ा ले, लेकिन ये छोरा तो जैसे लुगाई के बस में हो गया हो पूरा। मैं तो कहती हूँ मर भी जाती ना तो भी मेरा पीछा छूटता, दूसरी बहू लाती तो कम से कम बच्चों की किलकारी तो सुनने को मिलती। तेरे जीते जी तो ये छोरा मानेगा नहीं दूसरे ब्याह को। सास का कहा एक एक शब्द आज रुक्मणी के सीने को छलनी कर रहा था। उस पर भी मोहन की चुप्पी उसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी। रुक्मणी ने ठहर कर एक पल को पति की ओर देखा और घूंघट में मुंह छिपा कर रोने लगी। जब सास के ताने उसके बर्दाश्त से बाहर हो गए तो रुक्मणी घर से निकली और जाकर सीधा कुएं में कूद गई। जब कई घंटों तक भी रुक्मणी घर में दिखाई ना दी तब चारों ओर सब उसे ढूंढने लगे। अचानक ही मोहन की नजर कुएं में तैरती उसकी लाल चुनरी पर पड़ी तो उसके मुंह से चीख निकल गई। वो आखिरी बार था जब किसी ने मोहन के मुंह से आवाज सुनी थी। उसके बाद तो मोहन ने ऐसी चुप्पी साधी कि बात करना ही बंद कर दिया। मन ही मन माँ वसुंधरा भी बहू की मौत से बहुत दुखी थी। गुस्से में वो रुक्मणी को हमेशा ही बहुत कुछ कह दिया करती थी, लेकिन वास्तव में वो ऐसा कभी कुछ नहीं चाहती थी कि रुक्मणी ऐसा कोई कदम उठा ले। मोहन को रुक्मणी की मौत का ऐसा सदमा लगा था कि वो रुक्मणी की मौत का जिम्मेदार खुद को ही समझने लगा। रुक्मणी की मौत के बाद उस कुएं के पास अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। कभी वहां से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती तो कभी कुएं के पास खून की छींटे दिखाई पड़ती, कभी खून से सने पांव के निशान मिलते तो कभी कुएं का पानी लाल हो जाता। गांव में दबी जुबान से ये बात होने लगी थी कि वसुंधरा की बहू की मुक्ति नहीं हुई और अब वो एक प्रेत बन गई है जो अपने होने का एहसास करा रही है। पूरे परिवार में डर का माहौल बन गया था। ऐसे में मदद मांगने वसुंधरा और उसका पति एक तांत्रिक के पास जाते हैं। आपकी बहू की असमय मृत्यु हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं कि वो एक प्रेत बनकर आपके घर के पास मंडरा रही हो। क्योंकि वो कुआं आपके घर के अंदर ही है, इसलिए सबसे पहले तो आप उस कुएं को घर की चार दीवारी के बाहर कर दो। बाबा की बात सुनकर घर का दरवाजा गिराकर कुएं के दूसरी ओर से दरवाजा बनाया गया। अब घर के दरवाजे से कुछ ही कदम की दूरी पर ही कुआं था। सबके मन में डर तो अभी भी था, किंतु बाबा के ऊपर यकीन करने के अलावा फिलहाल कोई और चारा नहीं था। जब से दरवाजा बनवाया था कुएं के पास होने वाली घटनाएं जैसे थम सी गई थी। वसुंधरा भी जैसे निश्चिंत हो गई थी। अब शायद रुक्मणी की आत्मा उन्हें नहीं सताएगी, लेकिन जिस दिन से उसने अपने बेटे मोहन को रुक्मणी से बातें करते देखा था उसके रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो गए थे।